सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, आज और भी आपका स्वागत है। मैं हूं सनी श्रीवास्तव। देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। रूस के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मलेशियाई प्रधानमंत्री से जाकिर नायक के भारत प्रत्यर्पण पर बात की। आज पीएम मोदी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोलेंगे। मुंबई में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई लोग स्टेशनों और बस अड्डों पर फंसे हुए हैं। बारिश और हाई टाइड के रेड अलर्ट के चलते 10 ट्रेन और 20 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। मंदी के दौर में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की चेताने वाली रिपोर्ट आई है। एजेंसी ने साल 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कम कर दिया है। पहले क्रिसिल ने देश की जीडीपी का अनुमान 6.9% रखा था, जो अब घटाकर 6.3% कर दिया है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो फाइबर लॉन्च करने जा रहा है। भारत के 1600 शहरों में इसका कनेक्शन दिया जाएगा। लॉन्च ऑफर के तौर पर एक फ्री सेट टॉप बॉक्स, 0 इंस्टॉलेशन चार्ज और 1-2 महीने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्लान दिया जा सकता है। 3 बार के चैंपियन रहे स्पेन के राफेल नडाल ने 4th और आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में उनका मुकाबला इटली के बेरेटिनी से होगा। सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की दबंग 3 की रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है। पहले ये फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब खबर ये है कि ये फिल्म अगले ईद पर रिलीज होगी। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। देश और दुनिया के हर मुद्दों पर हमारे एक्सपर्ट की राय जानने के लिए देखते रहे द फ्रंट। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। Thank you.